नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका स्वागत है। अभी तक वाराणसी में ज्ञानवापी का मामला चल ही रहा है कि जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर सोशल मीडिया व लोगों की जुबां पर तरह तरह की चर्चा तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने सोमवार को अटाला मस्जिद के वायरल वीडियो को ट्वीट कर CM व DM को टैग करते हुए लिखा कि इसमें मंदिर के साच को नष्ट करने के लिए हरा पर्दा लगाकर ग्राइंडर चलाया जा रहा है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने मंगलवार को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हिमांशु नागपाल को मौके पर भेजकर जांच कराई, जिसमें मौके पर सफाई होती मिली। फिर उसके एक घंटे बाद ADM भू राजस्व रजनीश राय भी अटाला मस्जिद का निरीक्षण कर व्यापारियों से ऐतिहासिक इमारत के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ न करने का आग्रह किया। चलिए अब आपको पूरा प्रकरण बताते चलें कि क्या है पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने ट्वीट कर कहा था कि जौनपुर की अटाला मस्जिद के संबंध में किसी ने एक वीडियो भेजा है। इसमें उनका दावा है कि अटाला में उत्तरी गेट की बालकनी को हरे पर्दे से ढककर दीवारों के पत्थरों को ग्राइंडर से नष्ट किया जा रहा है, जिससे मंदिर का साच नष्ट हो सके। उन्होंने इसकी जांच के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व जिलाधिकारी जौनपुर मनीष कुमार वर्मा से मांग किया था। जिलाधिकारी ने मामले की जांच ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हिमांशु नागपाल से करने को कहा। उन्होंने मंगलवार की दोपहर करीब 3:30 बजे अटाला मस्जिद में पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान वहां इमाम व मुतवल्ली मौजूद रहे। उन्होंने पाया कि वहां पर साफ सफाई हो रही है और धूल बाहर न जाए, इसके लिए हरा पर्दा लगाया गया है। बगल में हो रहे भवन निर्माण से ग्राइंडर की आवाज़ आ रही है। उन्होंने बताया कि हरा पर्दा हटवा दिया गया है, जांच की रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी जाएगी। देखिए, अटाला मस्जिद जो है भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित संरचना है और इसके मेंटेनेंस का दायित्व तो भारतीय पुरातत्व विभाग को है। एक वीडियो वायरल हुआ था, अनावश्यक सेंसेशन पैदा किया गया था। इस मस्जिद में कोई चेंज नहीं किया गया है, कोई घिसाई नहीं हुई है। सामने इसके जिस गेट की बात की जा रही है, उत्तरी गेट की, उसके सामने एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसकी घिसाई की आवाज़ रिकॉर्ड की गई और दिखाया अटाला मस्जिद को गया, वो गलत है, एकदम प्योर गलत है। केवल सेंसेशन पैदा करने के उद्देश्य है, भारतीय पुरातत्व के संरक्षण में है और भारतीय पुरातत्व के अधिकारी कल आएंगे, जो भी चेंजेज होगा वो अपने हिसाब से बताएंगे, कराएंगे, जो मेंटेनेंस होगा वो कराएंगे। इंक्रोचमेंट को लेकर के कुछ निर्देश? इंक्रोचमेंट को लेकर के जो दुकानें नीचे खुली हुई हैं, पहले दुकानें नहीं खुलनी चाहिए थी, चलिए खुल गई हैं, कोई बात नहीं, किसी की रोजी रोटी चल रही है। लेकिन जो लोग मस्जिद के आगे अपना टीन शेड या दुकान ये बढ़ाए हुए हैं, उसको हटाने को उनको लोग बता दिए गया, चबूतरा नीचे से हटाने को था। पहले सर ये बाहरी पर्यटकों के लिए भी और फोटोग्राफी भी अलाउड थी, लेकिन इधर बीच कुछ दिनों से इस पे फोटोग्राफी बंद? नहीं नहीं, वो बंद नहीं है, कोई बंद ही नहीं है, अंदर जाने की अनुमति नहीं है और तमाम तरह की। देखिए, अंदर जाने की अनुमति तो भारतीय पुरातत्व विभाग जैसे किले में टिकट लगाता है, यहाँ भी टिकट लगाते जाए लोग। पहले मैं कल हम बात करेंगे, टिकट लगे जाए लोग, ये थोड़ी की भीड़ चली जा रही है या कोई भी चला जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता ना। सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर थे जिनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया था, तो उसमें झूठ ट्वीट किया गया था, नितांत झूठ था, केवल सेंसेशन पैदा करने के लिए, अपना नाम प्रसारित करने के लिए ये ट्वीट किया गया। एक चीज और, जो उस दिन हम बताए थे बेनी राम हलवाइयों का, कल हम लोग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर।